हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ गोभी की एक प्योर भेज रेसिपी, गोभी रोस्ट। ये प्योर, पूरी तरह से प्योर है, इसमें लहसुन और प्याज नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी ना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और देखने में उतना ही ज़्यादा लाजवाब। तो उसको बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 8-10 काजू, 4 चम्मच पोस्तू दाना, छोटा चम्मच से 4 चम्मच पोस्तू दाना ले रही हूँ। और उसको ना मैं थोड़ा सा गर्म पानी डालकर थोड़ी देर के लिए भिजने के लिए रख दे रही हूँ। और इधर देखिए, फूलगोभी को मैं ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट ली हूँ और उसके डंठल को चीरा लगा ली हूँ इस तरह से। तो और इधर तब तक मैं पानी को गर्म होने के लिए रख दी थी, तो पानी गर्म हो गया। अब उसमें मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा नमक और डालकर गोभी को डाल दी हूँ थोड़ी देर उबलने के लिए। जब तक गोभी हमारा उबल रहा है, तब तक इधर मैं बना ले रही हूँ अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तो उसके लिए मैं 4-5 हरी मिर्च और लगभग 1 इंच का अदरक का ली और उसे पेस्ट बना कर रख ली हूँ। अब उसी जार को धोकर मैं इसमें काजू और पोस्तों का पेस्ट भी बना कर रख ली। और इधर देखिए, हमारा गोभी उबल चुका है, तो इसको मैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ और कढ़ाई का पानी फेंक के उसमें फिर गर्म होने दी। और गर्म होने के बाद मैं डाल दी हूँ रिफाइंड तेल और उसमें 1/2 चम्मच नमक, ताकि गोभी फ्राई करने के समय नमक गोभी के अंदर अच्छी तरह से समा जाए। तो गोभी को मैं हल्का फ्राई कर ली हूँ, इसको ज़्यादा लाल फ्राई नहीं करना है, हल्का ही फ्राई करना है। तो देखिए, गोभी हल्का फ्राई हो गया है। अब उसको एक प्लेट में निकाल ली और कढ़ाई में ना बचा हुआ तेल था, तो उसी में मैं 1 चम्मच घी, लौंग, इलायची और दालचीनी, तेज़पत्ता डालकर थोड़ा सा भून ले रही हूँ। और भूनने के बाद यहाँ पर डाल दे रही हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट और इसे भी थोड़ा सा भून ले रही हूँ। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैं डाल दे रही हूँ कटी हुई टमाटर, तो और थोड़ा सा ना इसमें साथ के साथ नमक डाल दे रही हूँ, जिससे क्या होगा कि हमारा टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। और हाँ फ्रेंड्स, ये मसाला ना कैमरा में थोड़ा काला काला दिख रहा है, पर ये काला बिल्कुल नहीं है। वो जो गोभी फ्राई करने के समय चिपक गया था ना, तो वो पार्ट मसाला में आ गया है, इस वजह से दिख रहा है काला काला, पर काला बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, ढक ढक कर मैं टमाटर को गलने तक भून ली हूँ। तो यहाँ देखिए, टमाटर हमारा गल चुका है। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इससे हमारा जो गोभी का जो कलर है ना, वो बहुत ही खिल कर आएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ। और यहाँ पर देखिए, मसाला हमारा लगभग भून चुका है, तेल छोड़ने लगा है मसाला। तो इस स्टेज पर मैं इसमें थोड़ा सा चलाने के बाद डाल दूँगी जो काजू और पोस्तों का जो पेस्ट बना के रखे थे ना, उसको डाल दी और उसे भी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ। इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ। और यहाँ पर ना थोड़ी देर बाद फिर वो जो जार का पानी था, जार में धो के वो डाल दे रही हूँ और मसाला को ढक ढक कर अच्छी तरह से भून ले रही हूँ। तो देखिए, यहाँ मसाला हमारा लगभग भून चुका है, अभी पूरी तरह से नहीं भुना है। तो इस स्टेज पर मैं डाल दे रही हूँ हरी मटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने थोड़ा सा चीनी डाली हूँ स्वाद को बैलेंस करने के लिए, तो चीनी डालकर भी थोड़ा देर और भून ले रही हूँ। तो देखिए, यहाँ हमारा मसाला भून चुका है, मसालों से तेल रिलीज़ हो रहा है। अब मैं डाल दे रही हूँ भुनी हुई गोभी और डालकर अच्छी तरह से मसालों के साथ मिला ले रही हूँ।
और इसको ना ज़्यादा नहीं चलाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा चलाएंगे ना तो गोभी हमारा टूट जाएगा। इस वजह से हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा चला ली। और चलाने के बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ दूध, लगभग 1 कप। और दूध डालकर अच्छा तरह से मिला ली। दूध डालने से ना फ्रेंड्स इसका स्वाद और भी ज़्यादा निखर जाता है। और यहाँ पर मैं डाल दी किशमिश, गरम मसाला और 1 चम्मच घी। और हाँ फ्रेंड्स, किशमिश ना यहाँ बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और सब डालकर अच्छी तरह से मिला ली और इसे थोड़ी देर के लिए ढककर पकने देती हूँ। ज़्यादा देर नहीं पकाना है क्योंकि गोभी ऑलरेडी हमारा पका हुआ है। तो देखिए हमारा गोभी रोस्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसे मैं बाउल में सर्व कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी सब्जी है गोभी रोस्ट, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा। आप तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आज ये वीडियो आपको पसंद आए, और पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये गोभी रोस्ट ना पराठा, नान या फिर पुलाव के साथ भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं पराठा बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फ्रेंड्स।